नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ साझा करने के लिए आया हूँ वो है आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मौसम बदल चुका है, अभी ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश अधिक ठंड नहीं हुई है और ऐसे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से ठंड नहीं आ जाए या बारिश नहीं हो जाए, इस मौसम में लोग बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने का कारण क्या है और अनहेल्दी रहने का कारण क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और मेरे साथ इस संबंध में बातचीत करने के लिए विश्व के जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर शेख हैं, जो गुप्त रोग विशेषज्ञ भी हैं और इन्हें कई सारे अवार्ड से भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है, ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए इसके लिए। जी धन्यवाद आपका, आप और जो आपने मुझसे मालूम किया है कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है इसके ऊपर जो आदमी अस्वस्थ है और इसके ऊपर क्या सावधानियां रखना चाहिए, तो मैं आपको आपके चैनल के जरिए से ये बताना चाहता हूँ। ये जो सर्दियाँ हैं, ये कहावत है कि आती हुई या जाती हुई, जो कम सर्दियाँ होती तो आदमी महसूस नहीं करता है कि भाई अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो दिन में कपड़े भी कम पहनता है या सुबह शाम की सर्दी होती है, लेकिन ये है पैर के जरिए से या सिर के जरिए से जो ठंड हो जाती है, इसमें वायरल भी और मच्छर भी होते हैं, तो मलेरिया होने के चांसेस भी रहते हैं, वायरल फीवर तो होता ही होता है। तो मेरा तमाम दर्शकों से ये कहना है कि अगर आप ये ना सोचें कि अभी सर्दियाँ कम पड़ रही हैं, दिन में धूप है या इस तरह की सर्दी नहीं है, तो फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा सुबह शाम अपने कानों का थोड़ा बचाव रखें और पैरों के अंदर भी मोजे वगैरह सॉक्स वगैरह इस्तेमाल करें, जूते वगैरह पहने, और बच्चों को खास तौर से सर्दियों से बचाएं और ठंडी चीज़ें खास तौर से जैसे मूली है, नींबू है, ठंडी चीज़ों से दही है, इस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने से आदमी को ठंड हो जाती है, कोल्ड की शिकायत हो जाती है, इन चीज़ों से आदमी को बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ तक बात स्वस्थ कैसे रह जाए, तो मैं आपके चैनल के जरिए से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो सुबह शाम आप जो है अदरक की चाय पीजिए, अदरक का इस्तेमाल कीजिए, अदरक का रस निकाल शहद में मिलाकर चाटिए, इससे जो है आपको खांसी नज़ला जुकाम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। रात को सोते समय आप जो है दूध का इस्तेमाल कीजिए, दूध के अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा जो है 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिलाकर आप पियेंगे, तो कफ खांसी कोल्ड इन चीज़ों से भी दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और लोगों में समस्याएं हैं, कई सारे हमारे सब्सक्राइबर कमेंट करके पूछते हैं कि वो लोग समय पे खाते भी हैं, हेल्दी चीज़ें भी खाते हैं, लेकिन खाया पिया उनके शरीर में नहीं लगता है, इसका क्या वजह हो सकता है? देखिए, मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि जो प्रचलन आजकल बदला है और जो बढ़ा है, खाना पीना मैं बिल्कुल मानता हूँ पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन आदमी के अस्वस्थ रहने के मुख्य कारण है फास्ट फूड। आदमी आजकल जो नई जनरेशन है फास्ट फूड को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और फास्ट फूड के साथ में भी खास तौर से बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, तो उससे होता क्या है कि जो भी आदमी कुछ खाते हैं तो खाने के बाद जो उसकी मैदा होता है उसमें जो फैट्स जमना शुरू हो जाती है और लीवर पूरी तरीके से कार्य नहीं करता। तीसरी बात क्या है कि आदमी खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना शुरू कर देता है, जैसे खाने खाते समय ही पानी पीता है और या बाद में खाना खाने के बाद में 1-2 गिलास ठंडे पानी और चिल्ड वाटर भी इस्तेमाल करता है, उससे क्या होता है जो हमारी जठराग्नि है खाना खाने के बाद, इसमें हमारे लीवर के अंदर जो एक अग्नि जलती है जिसको जठराग्नि कहा गया, इसलिए उसका नाम जठराग्नि रखा है, जो अग्नि पैदा होती है खाने को पचाने के लिए होती है, हम पानी पी लेते हैं तो खाना जो है अग्नि बंद हो जाती है, अग्नि जलना बंद हो जाती है, उससे खाना हमारा पचता नहीं है। अगर खाना पचेगा नहीं तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो मांस नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा तो मज्जा नहीं बनेगा, मज्जा नहीं बनेगा तो सप्त धातु हमारी नहीं बनेगी, और अगर सप्त धातु नहीं बनेगी तो उनकी सेहत पर असर आएगा, सेहत नहीं बनेगी। तो मेरा तमाम व्यूअर्स के लिए और जो इस चैनल को देख रहे हैं आप, उन सभी के लिए एक ही सलाह यह है कि खान पान पर विशेष ध्यान रखें, दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आजकल बीमारी की जड़ जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही, चाहे कैंसर है, मोटापा है, डायबिटीज है, जितनी बीमारियां हो रही है, ये सारी जो है फास्ट फूड की देन है, क्योंकि हमारे जो लीवर की जो हमारे क्योंकि आदमी डॉक्टर्स वैद्य हकीम वगैरह जो नब्ज देखते हैं, वात पित्त कफ, हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं वात पित्त कफ, अगर आदमी का जब ज़्यादातर 90-95% जो रोग होते हैं पित्त बगड़ने के कारण होते हैं, अगर हमारा खाया पिया नहीं लगेगा तो खून उस तरीके का नहीं बने, अगर खून शुद्ध नहीं होगा तमाम तरह की बीमारी हमारे ऊपर हावी होंगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आदमी को खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, चिकनाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें,
जहां तक बात स्वास्थ्य सेहत के लिए आपने मुझसे कहा सेहत नहीं बन रही, तो सेहत के लिए मैं आपके चैनल के जरिए टिप्स देना चाहता हूं, तमाम नौजवानों को टिप्स देना चाहता हूं। अगर उन लोगों ने तमाम बाजार में बिकने वाली दवाएं मंगाई है, 525 की मंगाई है, 725 की मंगाई है, मेडिकल स्टोर से खाई है, ये कैप्सूल खाएं, वो पाउडर खाएं, बड़े बड़े डिब्बे खाएं, और वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है, धोखा है, उन सभी दवाओं के अंदर स्टेरॉइड मिला देते हैं। स्टेरॉइड से क्या होता है, शरीर के अंदर पानी बढ़ जाता है, कोई किसी की सेहत नहीं बनती। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी डॉक्टर हकीम अगर इस तरह के इलाज कर रहे हैं तो वो स्टेरॉइड किसी भी बच्चे को किसी नौजवान को ना खिलाएं, उन सब के सेहत के साथ खिलवाड़ है, और खिलवाड़ ही नहीं उनसे तमाम तरह की बीमारियां, जहां तक कि हड्डियां भी गल जाती हैं, टीवी है, कैंसर है, और लीवर तो बिल्कुल खराब हो जाता है, और पानी उससे सेहत नहीं बनती, उससे शरीर के अंदर पानी बढ़ जाता है। पानी भरने के बाद जैसे ही आप दवा बंद करो पेशाब से निकल जाएगा और सेहत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। अगर आप चाहते हैं सेहत बनाना तो आप नेचुरल की तरफ आइए, आयुर्वेद की तरफ आइए। आप मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको रात को सोते समय आप 50 ग्राम चने और सिर्फ 10 ग्राम या 10 या 20 जो है गिनती की आप किशमिश पानी में गला दीजिए। सुबह के टाइम रात भर उसको गलने दीजिए, सुबह के टाइम आहिस्ता आहिस्ता उनको चबा चबा कर खाइए, चबाने के बाद में चबा चबा खाते समय दूध पी लीजिए, आप एक गिलास दूध पीजिए, आपकी सेहत ऑटोमेटिक बनेगी। रात को सोते समय आप गुनगुना दूध पीजिए, एक गिलास दूध में एक चम्मच बादाम रोगन आप डाल के पीजिए, या उसमें आप अश्वगंधा पाउडर भी मिला के ले सकते हैं, आपकी सेहत नेचुरल बनेगी और जो वजन बढ़ेगा वो आपका किसी भी सूरत में कम नहीं हो, किसी तरह कोई बीमारी आपके पास में नहीं आएगी। या हर्बल का फौलाद हेल्थ कैप पाउडर आता है कैप्सूल, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेहत बनेगी वो किसी भी सूरत में कम नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं सेहत बनाना और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी सेहत हेल्थ को बनाना चाहते हैं, तो फास्ट फूड से बचें और बाजार में बिकने वाली बाल्टी, बड़े बड़े डिब्बे, स्टेरॉइड मास्क, गेनर, ये वेनर जितने भी आते हैं, और मेडिकल से लेकर आप ऐसे स्टेरॉइड वगैरह जो दवाएं लेते हैं उन चीजों, या समझ लेना जो दवा आपको खाने के बाद में भूख बहुत तेजी से बढ़ाती है, लगता है कि खाता रहूं मैं भूख ज्यादा लगती, तो समझ लेना उसके अंदर स्टेरॉइड मिला हुआ है। क्योंकि चाहे कोई कहता हो कि हर्बल है या देसी है, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं जो इतनी तेज भूख बढ़ा दे, सिर्फ स्टेरॉइड सेप्लेक्टिन डेक्सन, नाम लेकर बात कर रहा हूं आपसे, जो भी डॉक्टर या वैद्य हकीम या मिला कर दे रहे हैं, गोलियां मेडिकल से खरीद लीजिए, 5-7 रुपए में आ जाएंगी, एक एक गोली मिलाकर दोनों को खा लीजिए, आपकी सेहत बन जाएगी, लेकिन वो आपकी सेहत के साथ धोखा है, आपकी सेहत के साथ नहीं आपकी जिंदगी के साथ धोखा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इस तरह की सेहत बिल्कुल ना बनाए, जो हेल्थ टिप्स मैंने आपको बताए उनका इस्तेमाल करें, फौलाद हेल्थ पाउडर या फौलाद हेल्थ कैप्सूल खाइए, जो वजन बढ़ेगा वो किसी भी सूरत में कम नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप गुप्त रोग विशेषज्ञ भी हैं, जगह जगह सड़कों पे और पोस्टर शौचालय में एक पर्चा चिपका हुआ होता है जिसमें काफी भ्रामक चीजें, मुझे लगता है कि ये सब भ्रामक है, लोगों को डराने की कोशिश है, बच्चों को डराने की कोशिश किया जाता है, खास करके जो नए युवक हैं, अंडर 19 बच्चे हैं, उनके बारे में बहुत चीजें लिखे होते हैं जो मैं अपने चैनल पे पूरा खुल के नहीं बता सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूँ। जैसे स्वप्न दोष से रिलेटेड होता है कि ये बीमारी हो जाएगा, बड़ा बीमारी हो जाएगा, डराने वाली बातें लिखी होती है, एड्स हो सकता है, तो ये सब क्या वाकई कुछ सत्य है या ये सब डराने के लिए इश्तेहार दी जाती है? देखिए मैं आपके जरिए से जो कहना चाहूंगा, जो आपने कहा बिल्कुल सत्य कहा है कि आज हम तकरीबन 90 से ये काम कर रहे हैं और हमारे खानदानी पेशा है और हमारा नाम हिंदुस्तान के अंदर पूरा जाना जाता है और पूरी दुनिया में हमारी दवाएं जाती हैं। जहां तक आपने कहा कि शौचालय के अंदर जहां भी जाते हैं विज्ञापन, ये करीब 5 साल नहीं, मैं ये कहूँ 10 साल के अंदर एक ऐसा ट्रेड आया है कि विज्ञापन का दौर चला है। पेपर उठा लीजिए, मैगजीन उठा लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ तरह की, जैसे स्वप्न दोष को लिए किसी को कह दिया या एड्स लिख दिया। पहली बात तो मैं आपको स्वप्न दोष के ऊपर बता देता हूँ, और ख़ासतौर से नौजवान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ लिए, स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। पहली बात, स्वप्न दोष एक स्वाभाविक क्रिया है जो आपका सीमन बनता है, और एज के हिसाब से अगर आप, तो अगर महीने में आपको 2-3-4 बार तक नाइट फेल वगैरह स्वप्न दोष हो जाता है तो ये किसी भी बीमारी नहीं है, किसी तरह कोई बीमारी नहीं, किसी भी डॉक्टर से इसका इलाज ना करा। अगर आपको महीने में 4-6 बार, 10 बार, 15 बार नाइट फेल हो रहा है तो उसके लिए आपको दवाएं लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, दवाएं लेने से पहले, कोई भी उपचार लेने से पहले किसी डॉक्टर के पास जाने, यानी मेरे पास भी आने से पहले, अगर आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या लेडीज़ के पास ज़्यादा बारे में सोच रहे हैं या उस तरह की मूवी देख रहे हैं या उस तरह के कंटेंट्स देख रहे हैं,
तो ये एक बीमारी है इसके लिए। नाइटफॉल नहीं होता, आदमी उस तरह के सोच विचार सोचता है, देर रात तक इंटरनेट और जियो की वजह से छोटे छोटे बच्चे नेट चला रहे हैं, उस तरह के कंटेंट्स देख रहे हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि आदमी के अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है और नाइट में हल्की सी रगड़ लगने से और नाइटफॉल वगैरह हो जाता है। तो इस चीज़ पर आप काबू रखें, फास्ट फूड इस्तेमाल ना करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, दूध भी ना इस्तेमाल करें, आप सिर्फ दही का इस्तेमाल करें, आपको नाइटफॉल की प्रक्रिया जो है कम हो जाएगी, मैं देखता हूँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात एड्स की है तो एड्स के लिए आपने कहा कि एड्स भी लिखा हुआ था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर एड्स होता क्यों, पहली बात तो ये है उन डॉक्टर्स को ये बात समझाना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई एड्स का इलाज है एड्स हो जाएगा। सबसे पहली बात हमें एक आदमी के अंदर एक जागरूकता लानी चाहिए, देश के भले के लिए लानी चाहिए, नौजवानों के भले के लिए जागरूकता वाली बात करी कि भाई एड्स होता क्यों, आप उस चीज का प्रिकॉशन बताएं, आप उनको बताएं कि जो भी संबंध आप बनाते हैं अनैतिक संबंध जो बनाते हैं या गलत संबंध जो बनाते हैं या आप कॉल गर्ल के पास जाते हैं वो ना जाए। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम नौजवान को रोकें भाई वो चीज़ जहाँ से हो रही है। दूसरी बात हम ये बताएं कि भाई अगर हम ब्लड ले रहे हैं कहीं से कोई बीमार है तो ब्लड पहले टेस्ट होना चाहिए, अच्छी लैब से होना चाहिए, कहीं इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो सरिंज तो इस्तेमाल दोबारा से नहीं हो रही, किसी बार्बर के पास जा रहे हैं हम तो वो ब्लेड का इस्तेमाल तो दोबारा नहीं कर रहे, तो ये चीज़ों पर हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। हाँ अगर किसी को एड्स है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। एड्स क्यों हो रही है ये एक विषय है, इसलिए हो रही है कि आदमी नौजवान जो है गलत कार्य पर जा रहा है और जो है कॉल गर्ल्स के पास कोठों के पास आदमी जाता है वैश्याओं के पास जाता है, इसलिए एड्स होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा इस चीज़ के लिए अगर किसी को पॉजिटिव है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। ये नहीं सोच लें, ज्यादातर मेरे पास केसेस आते हैं उनकी एक धारणा बन जाती है भाई मुझे एड्स हो गया मेरी जिंदगी खराब है, मेरी तो समझिए जिंदगी कुछ है ही नहीं, तो अब मैं दूसरे को भी फैलाऊं, या कुछ लड़कियां भी इस तरह की उनको पता है कि मुझे एड्स हो गए तो तमाम तरह के तमाम नौजवानों से संबंध बनाते चाहती है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है तो मैं दूसरों की, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, अपने अंदर नेगेटिव सोच बिल्कुल ना पालें, इसका इलाज कराइए। HIV-1 HIV-2 तक इलाज संभव है, ऐसा नहीं कि इलाज ना हो, लेकिन मेन चीज ये है कि थोड़ी सब्र की जरूरत है और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है जिससे कि आपका जीवन बदल सके और दूसरे आने वाले किसी के जो आपका सहपाठी है उसका जीवन खराब ना। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। एक लास्ट हमारा और सवाल है वो ये कि कई अखबारों में और कई जगह हमने ये भी विज्ञापन देखा है और बाकी समाज में हकीकत भी है, एक चीज तो हकीकत है कि बहुत ज़्यादा लोगों में तलाक हो रहा है, शादीशुदा जिंदगी में आपस में साथ रहने से लोग अब अलग होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और जो इसके अंदर दवाई और हेल्थ की बात है डॉक्टर की बात है वो ये कि बहुत लोग कहते हैं कि कमजोरी के कारण, मर्दाना कमजोरी के कारण भी लोग तलाक ले रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? देखिए बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है और बहुत ही सच है, इसमें कोई किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और मुझे कहने में बिल्कुल दिक्कत महसूस नहीं हो रही। पहले एक दौर था कि 1990 से लेकर जो हमारे पास पेशेंट आया करते थे तकरीबन और 2000 तक की मैं बताता हूँ आपको, वो उनकी एज हुआ करती थी 25 साल से लेकर करीब 50-55 साल तक की, या 30 साल से 50-55 साल तक की एज पेशेंट आया करते थे, कहते थे हमें मर्दाना कमजोरी है, इम्पोटेंसी है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन शिकायत है, तो इस तरह के पेशेंट आया करते। लेकिन आज दौर बदला है, आज 15-16 साल के बच्चे नौजवान बच्चे आ जाते हैं, 20 साल के नौजवान आ जाते हैं, शादी हुई नहीं कि हमारी सुहागरात नहीं मनी है, हनीमून नहीं हुआ है, दिक्कतें आ रही हैं, औरतें आ रही हैं कि जब मैं अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, औरतें कह रही हैं कि सब उनका साइज वाली प्रॉब्लम है, औरतें कह रही हैं उनका टाइम नहीं है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन शिकायत, तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। आजकल जिस तरीके से खान पान बदला है, जिस तरीके से नौजवानों की सोच बदली है, जिस तरीके से लोग बचपन में गलतियाँ कर रहे हैं उससे शारीरिक कमजोरी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि नौजवान शर्म की वजह से या तो उल्टे सीधे डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है या उल्टे सीधे मेडिकल से, व्याग्रा है, कैविट्रा है, मैनफोर्स है, या जितने भी 50 नंबर 100 नंबर नीली पीली नंबर के नाम से जाते हैं, चुपचाप मेडिकल पर जाते हैं, वो गोली लेते हैं और गोली जिस तरीके से भैंस से दूध लेने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से सिंडाफिल या टंडाफिल का यूज करके वो चंद मिनट के लिए, चंद दिनों के लिए अपने आप को या अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उससे होता क्या है, उसके बाद कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, वो सेक्स संबंध बनाने में, रिलेशन बनाने के काबिल ही नहीं बचते। इसलिए मेरा उन नौजवानों से या जो भी आदमी जो इस चीज से प्रीमेच्योर एजुकेशन से या इम्पोटेंसी से, नामर्दी से, सिखबदन की शिकायत है और उनको लगता है कि उनकी वैवाहिक जीवन खराब है, या आपको लगता है कि मेरी तलाक होने वाली है, किसी वाइफ को लगता है कि भाई इसी मेन कारण ये है मुझे अलग हो जाना चाहिए,
या तलाक ले ली। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक गुजारिश है, आपसे एक विनती है कि आप ऐसा ना सोचें, इस चीज का इलाज संभव है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और उस तरह का इलाज कराइए। आयुर्वेद में मैं ये कहता हूं कि आयुर्वेद में जितने भी ग्रंथ है, जितने भी आचार्य कुटाली ग्रंथ भरे हुए हैं, वाजीकरण से ग्रंथ भरे हुए हैं, दवाओं से ग्रंथ भरे हुए हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, घर 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 में ही कुदरत ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई जिनसे आप अपने उनको इस्तेमाल करके मर्दाना ताकत उनके इस्तेमाल से प्राप्त की जा सकती है। हमारे डॉक्टर वैद्य हकीम उनका तो इस्तेमाल करते नहीं है, उस करते क्या है, बाजार से ली गोली ली और कैप्सूल ये पीसे और उनको सिडनाफिल टेडनाफिल उनको दे दिया, उससे मरीज ठीक नहीं होता। तो मेरा मेरा तो तमाम अपने दर्शकों से कहना यह है कि आप जड़ी बूटियां का इस्तेमाल कीजिए, आयुर्वेद के नजदीक आइए, भस्मों का इस्तेमाल कीजिए। स्वर्ण भस्म इतनी गजब की चीज है, राजा रहा करते थे, वो अपने अपनी 10-10 रानियों को संतुष्ट किया करते थे। स्वर्ण भस्म का कोई मीन बकरोध्वज है, हीरा भस्म है, तमाम तरह की जड़ी बूटियां हमारे यहाँ भरी हुई है, सालम पंजा है, सालम मिश्री, तमाम तरह की जड़ी बूटियां हमारे यहाँ मौजूद है, भस्म मौजूद है। लेकिन आपको ये सोचना है कि कौन डॉक्टर सही है कौन डॉक्टर गलत है, इश्तेहार पर ना जाए, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। अगर अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन स्वस्थ होगा, आप खुशहाल होगा, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, आपकी मर्दाना ताकत पूरी आ जाएगी, आपके अंदर अगर शीघ्र पतन की शिकायत है वो दूर हो जाएगी, पूरा इलाज कंप्लीट हमारे पास, हमारे दवाखाने हिंदुस्तान के अंदर आगरा मथुरा फिरोजाबाद अलीगढ़ नोएडा दिल्ली यहाँ हमारे मौजूद है। बाकी हमारी दवाएं हमने बस जो हमसे मिल नहीं पाते हैं, देश विदेश हमारी SS किट आती है, SS किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक पाउडर होता है, एक चम्मच सुबह शाम दूध चलें, तेल है इंद्री का जो है, तेल की मसाज करें, आपकी जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाए। मेरा तमाम दर्शकों से, सभी दर्शकों से और जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये जो चैनल है बहुत ही अच्छा है और अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस हमारे प्रोग्राम को देखें और आपको लगता है वाकई में ये प्रोग्राम सुनने के काबिल है, देखने के काबिल अच्छा ही है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि ये जो चीज़ें हैं आम लोगों तक पहुँच सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज इन चीजों का फायदा पहुंच सके, उन लोगों को जानकारी में आ सके। घरेलू नुस्खे के लिए आपके लिए, आपकी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।